हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। क्या गाइज़ आपको लगता है हमारा पैसा बकरीद तक मिल जाएगा, या फिर आपको लगता है हमारा पैसा मंडे तक मिल जाएगा, या फिर गाइज़ आपको लगता है हमारा पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइज़ वीडियो में एंड तक बने रहना है। बट उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइज़ मिनट इसके वीडियो को वॉच करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहली बात कर लेते हैं। तो गाइज़ हमें काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो बनाते बनाते भी, और गाइज़ आपको भी काफ़ी टाइम हो चुका है हीरा गोल्ड कंपनी से वीडियो देखते देखते भी। तो गाइस पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो गाइस वहाँ पर इन्होंने सभी कुछ फील करवा दिया, उसके बाद भी पैसा नहीं मिल पाया। रमज़ानों से पहले कह दिया था कि पैसा मिल जाएगा, रमज़ान खत्म हो चुका है, उसके बाद ईद भी खत्म हो चुकी है, उसके बाद ईद के बाद भी 2-3 दिन हो चुके हैं, फिर भी हमारा पैसा नहीं मिल पाया। क्या गाइस आपको लगता है हमारा पैसा बकरा ईद तक मिल जाएगा, या फिर आपको लगता है हमारा पैसा मिल जाएगा या फिर नहीं मिल जाएगा। जो डॉक्टर नेहरू से है तो गाइस वो बोल रहे हैं कि हमने पेमेंट स्टार्ट कर दिया है, लेकिन गाइस ये हकीकत है, पेमेंट स्टार्ट कर दिया। बंदे बोल रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करें, हमने सभी कुछ सही करके भर दिया है, फिर भी हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइस आप सभी कुछ आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं मुद्दे की बात। गाइस वो मैं हर ऑलरेडी वीडियो में बता दूंगा, गाइस वो सबसे पहली बात होती है डाटा चेक। गाइस जिस बंदे को डाटा चेक हो रहा है उसके अकाउंट में पैसा पहुंच पा रहा है, लेकिन उन्होंने डाटा चेक करना भी रोक दिया था 3 दिन के लिए। गाइस ईद आ चुकी थी इसलिए गाइस उन्होंने डाटा चेक करना रोक दिया, उसके बाद गाइस फिर से डाटा चेक होना चालू कर दिया है। जो डॉक्टर नेहरू से एक गाइस वो बोल रहे हैं कि एकदम से सभी बंदों को डाटा चेक नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके सभी बंदों को डाटा चेक हो पाएगा। जिस बंदों का डाटा चेक हो रहा है उसके अकाउंट में पैसा पहुंच पा रहा है, लेकिन गाइस ये फिर भी क्लियर नहीं बता रहे हैं कि एक दिन में इतने बंदों को डाटा चेक होता है, इतने बंदों के एक दिन में पैसा पहुंच पाता है, और हम एक बंदे को उतना पैसा दे रहे हैं। कोई गाइस क्लियर नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमने पेमेंट स्टार्ट कर दिया है, बंदों के अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। गाइस में कई हज़ार बंदे जुड़े हैं, लाखों बंदे जुड़े हैं, लाखों बंदों को लाखों लाखों पैसा है, फिर भी पैसा नहीं दे पा रही है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि कंपनी काफ़ी टाइम हो चुका है, और गाइस ये नहीं ये कह रहे कि हम भाग चुके हैं, कुछ बंदों के अकाउंट में पैसा पहुँच रहा है, सबके अकाउंट में पैसा नहीं पहुँच पा रहा है। तो गाइस मैं बता आपको डेट फिक्स तो गाइस इन्होंने दी नहीं है, लेकिन गाइस आपको मंडे संडे में कोई पैसा नहीं मिल पाएगा आपको। गाइस में ये मैंने ये थंबनेल इसलिए लगाया था क्योंकि कुछ बंदे समझ सके कि हमारा पैसा कब तक मिलेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि आपको बकरीद 110% पक्की आ जाएगी। मुझे लगता है कि गाइस 2021 इसी में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गाइस आप समझ सकते हैं 2021 में गाइस सभी को लॉकडाउन लग गया है, और गाइस सभी को पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो गाइस आप समझ सकते हैं किसी को कुछ करना है, क्योंकि गाइस ईद भी बीत चुकी है, ईद पर सभी बंदों को पैसे की ज़रूरत रहती है, फिर भी पैसा नहीं मिल पाया। तो गाइस आप समझ सकते हैं मंडे संडे कोई पैसा नहीं मिल पाएगा, इस बकरीद तक भी सभी को पैसा नहीं मिल पाएगा। ये इस कंपनी 2021 में यही ख़त्म कर देगी, और ना ही इसके ऊपर लीगल एक्शन उठाया जा रहा है। कुछ बंदे बोल रहे हैं कि कयामत की रात को पैसा मिलेगा, कुछ बंदे बोल रहे हैं कि कयामत तक पैसा मिलेगा, कुछ बंदे बोल रहे हैं डॉक्टर नेहरू से कुछ जेल करवाया जाए दोबारा से जब ये पैसा दे पाएंगे। कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई ये अपडेट ला कर देती रहती है, पैसा नहीं दे पा रहा है। तो वैसे मैं बता सकता हूँ आपको 2021 इसी में ही ख़त्म हो जाएगा आपको पैसा, 2021 के अंदर सभी बंदों को पैसा नहीं मिल पाया। जैसे ही गाइस इसके ढंग है ये पैसा दे रहा है, तो गाइस मुझे लगता है कि 2021 में सभी बंदों को पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतने बंदे इसमें फंसे हुए हैं, और गाइस ये पैसा एकदम से सभी को देने की हामी नहीं भर रहा है, किसी बंदों को पैसा दे रहा है किसी को नहीं दे रहा है। तो गाइस मुझे तो लगता नहीं ये कंपनी सभी को एकदम से पैसा दे दे, और गाइस मुझे लगता है ये कंपनी भाग भी सकती है जैसे इसके ढंग है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके भाग भी सकती है। अभी कोई इसका प्रूफ नहीं है ना कि इसको कोई वो है कि अब कंपनी पैसा ही देगी, लेकिन डॉक्टर उसे के वो बोलते हैं कि हम आपको इंशाल्लाह पैसा देंगे, जरूर देंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में यही बताने वाला था, सभी कुछ आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।